हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन मैंने आपको बताया है कि लैंगिक जनन के लिए दो प्रोसेस आवश्यक होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन। अर्धसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके पश्चात युग्मक संलयन यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हमने सीखी हैं, तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आवर्त बीजी पादप में लैंगिक जनन में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है नर जनन भाग यानी पुंकेसर। पुंकेसर पराग कोष, पराग कोष के बाद में लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु के बाद में कि लघु बीजाणु जो बने हैं उनसे परागकण, और परागकण से नर युग्मक का निर्माण हो यानी परागकण के अंदर नर युग्मक होगा। तो इन यहां तक पहुंचना है हमें, यानी एक नरजनन भाग से पूरी नरजनन भाग के बारे में पूरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद में मादा जनन भाग के बाद में, यानी एक तरीके से हमें नरजनन भाग यानी नर युग्मक और मादा युग्मक तक पहुंचना है, तभी तो इन दोनों का संलयन की प्रक्रिया होगी। क्योंकि दो पहली प्रोसेस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, इसमें युग्मक का निर्माण, और दूसरा है युग्मक का संलयन। ये सारी बातें छिपी हुई है। देखिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमने पिछले पॉइंट्स में ये पढ़ा है कि आवर्त बीजी पादप जो होते हैं इसमें लघु बीजाणु चतुषक जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, ये हमने सीखा। पहला जो होता है वो चतुष्फलकीय, दूसरा होता है समद्विपार्श्वीय, तीसरा होता है क्रोसित, चौथा होता है टी आकार, और पांचवा होता है रेखिक। फिर हमने यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि बहु, एक तो है हमारे पास परागपिंड या पोलोनियम। परागपिंड या पोलोनियम क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा है। तो परागपिंड या पोलोनियम क्या होता है इसकी मैं एक बार डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम देखिए आगे की पॉइंट स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो परागकोष यानी परागकोष जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। तो लघु बीजाणु या पराग जो परागकण है वो कब मुक्त होंगे? जब परागकोष का स्फुटन होगा। तो देखिए मैंने आपको परागपिंड की डेफिनेशन यहां पर बताई थी, एक बार वापस बता देता हूं कि कुछ पादपों के परागकण परस्पर संयुक्त होकर एक पिंड नुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे पोलोनियम या परागपिंड कहते हैं। एक डेफिनेशन और थी बहु बीजाणुता, यदि चतुषक में चार से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो इसे बहु बीजाणुता कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा कि परागकोष का स्फुटन। देखिए स्टूडेंट्स, कि जब तक परागकण बाहर नहीं आएंगे तब तक युग्मक का संलयन नहीं होगा, तो यहां पर युग्मक संलयन के लिए परागकोष का स्फुटन आवश्यक है। तो पॉइंट यही है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट है परागकोष का स्फुटन। परागकोष के स्फुटन से मतलब यहां पर यह है कि परागकोष जो होते हैं वो फट जाते हैं और उनसे पराग कण मुक्त होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो परागकोष का स्फुटन आवर्त बीजी पादपों में चार प्रकार का होता है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए हमने यहां पर जब परागकोष की भित्ति के बारे में जब हमने पढ़ा था तो परागकोष की जो भित्ति होती है वो चार परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी परत जो होती है बाह्य त्वचा, दूसरी है अंतस्थीसियम जिसे एंडोथीसियम कहते हैं, तीसरा है मध्य परत, और फोर्थ है टेपिडर्म। तो परागकोष के स्फुटन, देखिए स्टूडेंट्स परागकोष का स्फुटन क्यों आवश्यक है? जब परागकोष का स्फुटन होगा तो परागकण क्या होंगे? मुक्त होंगे। देखिए परागकोष के स्फुटन से, परागकोष के स्फुटन से परागकण मुक्त होते हैं। परागकोष के स्फुटन से परागकण मुक्त होते हैं, परागकण मुक्त होते हैं। अब देखिए बात, अपन बात करेंगे यहां पे कि परागकोष के स्फुटन में सहायक भित्ति, देखिए इसमें
पराग कोश के स्फुटन में, पराग कोश के स्फुटन में सहायक भित्ति, पराग कोश के स्फुटन में सहायक भित्ति जो होती है वो होती है पराग कोश के स्फुटन में, पराग कोश के स्फुटन में अंतस्थीसियम अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम 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 सहायक होती है। देखिए स्टूडेंट्स अब अपन बात करेंगे यहां पे, देखिए एक और बात रखता हूं मैं कि अंतस्थीसियम की स्टोमियम कोशिकाएं होती है, स्टोमियम सेल्स जो होती है वहां से प्राग कोश का स्फुटन होता है। अब अपन बात करते हैं यहां पे कि प्राग कोश का जो स्फुटन है आवर्त बीजी पादप में, प्राग कोश का जो स्फुटन है वो चार प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादप में प्राग कोश का स्फुटन जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पराग कोश का स्फुटन चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। देखिए स्टूडेंट्स आवर्त बीजी पादप में पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का स्फुटन चार प्रकार का होता है। अब ये चार प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए स्टूडेंट्स मैं इसके प्रकार और इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पहला जो है वो है अनुप्रस्थ, जो तुलसी में पाया जाता है। देखिए चार प्रकार का है, पहला अनुप्रस्थ तुलसी में होता है ऐसा। दूसरा जो है वो है लंबवत, जो कपास और धतूरे में। तीसरा जो है वो कपाटीय, और फोर्थ जो है वो है जैसे अपन बात करें। देखिए स्टूडेंट्स पहला जो है, पहला स्टूडेंट पहला जो है वो है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन जो है वो किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल याद रखना तुलसी। दूसरा है लंबवत, लंबवत स्फुटन, लंबवत स्फुटन जो होता है वो एग्जाम्पल याद रखना स्टूडेंट्स वो होता है कपास व धतूरे में, कपास व धतूरा। तीसरा जो है वो है जैसे अपन बात करते हैं कपाटीय है और एक है छिद्र में। तीसरा जो स्टूडेंट्स वो है कपाटीय, और फोर्थ जो है वो होता है छिद्र में। देखिए स्टूडेंट्स जो छिद्र में होता है वो मकोय, और कपाटी जो होता है वो बारबरी में। ये हमारे पास एक तरीके से पराग कोश का जो स्फुटन है वो किस प्रकार संपन्न होता है वो हमने सीखा है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि पराग कोश का जो स्फुटन होता है वो चार प्रकार का होता है। पराग कोश के स्फुटन में कौन सहायता करते हैं? पराग कोश का स्फुटन क्यों आवश्यक है? परागकण जब मुक्त होते हैं, परागकण जब पराग कोश का स्फुटन होगा तो परागकण क्या होंगे? मुक्त होंगे। देखिए परागकण जो है उसके अंदर नरीभुक होगा, और नरीभुक जो होता है आवर्तबीजी पादपों में वो क्या होता है? एक तरीके से नॉन मोटाइल होता है, यानी एचल होता है, तो उसको मुक्त होना आवश्यक है। फिर दूसरी बात यहां पे है कि पराग कोश के स्फुटन में अंतस्थीसियम एंडोथीसियम क्या होती है? सहायक होती है। पराग कोश का जो स्फुटन होता है आवर्त बीजी पादपों में वो चार प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स आवर्त बीजी पादपों में पराग कोश का जो स्फुटन है वो चार प्रकार का होता है। तो जैसे अपन बात करें पहला जो है वो अनुप्रस्थ स्फुटन तुलसी में, लंबवत स्फुटन कपास और धतूरे में, कपाटीय और छिद्र में। देखिए स्टूडेंट्स कपाटीय और छिद्र में जो है
वो हम अपन बात करते हैं यहाँ पे जो कपाटीय स्फुटन जो होता है वो बारबेरी में, जबकि छिद्र में स्फुटन जो होता है वो मकोय नामक प्लांट है उनके अंदर संपन्न होता है। तो ये एक तरीके से हमने परागकोष का स्फुटन सीखा है जो चार प्रकार का होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखिए। परागकोष का स्फुटन हमने पढ़ा है वो कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का, अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत स्फुटन, नेक्स्ट अपने पास है कपाटीय, और फिर कौन सा है, छिद्रमय स्फुटन। ये तो थी बात हमारे पास परागकोष का स्फुटन जो किसके लिए आवश्यक है, परागकण जब इसके अंदर से, परागकोष के अंदर परागकण क्या होंगे, मुक्त होंगे, और मादा युग्मक यानी परागकण के अंदर नर युग्मक होता है तो वो किसके पास पहुंचेंगे, मादा युग्मक तक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे पढ़ेंगे हम। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है, देखिए परागकोष के अंदर किसका निर्माण हुआ, परागकण के अंदर परागकण का निर्माण हुआ। अब परागकण क्या है, परागकण कैसी संरचना है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो है परागकण, परागकण या ऐसे कह सकते हैं परागकण की संरचना। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं बताता हूं आपको, परागकण या परागकण की संरचना, परागकण व उसकी संरचना, परागकण व उसकी संरचना। देखिए परागकण व उसकी संरचना, परागकण व उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अपन बात करते हैं। देखिए परागकण का निर्माण किससे हुआ है, लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण लघु बीजाणु से हुआ है। तो लघु बीजाणु जब अगुणित है तो परागकण भी क्या होगा, अगुणित। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि परागकण क्या है एक तरीके से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परागकण एक एक कोशिकी एक केंद्रिकी अगुणित संरचना होती है। अब परागकण जो होता है इसके अंदर दो भित्तियां पाई जाती है परागकण के चारों ओर। देखिए परागकण एक गोलाकार संरचना है और इसके चारों ओर दो भित्तियां पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अपन ने बताया, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि समझो कि आप कि ये हमारे पास यहां पर डायग्राम बनाता हूं, ये एक तरीके से परागकण है और परागकण की दो भित्तियां पाई जाती है, ये है भित्ति। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने बताया कि परागकण जो होता है वो एक एक कोशिक एक केंद्र की एक कोशिक एक केंद्र की अगुणित संरचना होती है, फर्स्ट। दूसरी बात बताया है कि परागकण के चारों ओर द्विभित्तीय आवरण पाया जाता है, यानी परागकण के चारों ओर दो भित्ति का स्तर पाया जाता है। इसमें बाहर की ओर जो स्थित स्तर होता है इसे बाह्य चोल कहा जाता है। अब बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन एक प्रोटीन है उसका बना हुआ होता है। दूसरा अपन बात करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स कि स्पोरोपोलेनिन क्या काम कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकण को बाह्य आवरण का निर्माण कर रही है और यह एक तरीके से परागकण जो होता है उसको जैविक और भौतिक जो विभिन्न प्रकार अपघटन की जो परिस्थितियां होती है उनसे इसको बचाती है, भौतिक और जैविक अपघटन से इसको क्या कर देती है, बचाती है परागकण को। इसीलिए परागकण जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि परागकण जो होता है उसके कुछ स्थानों पर, परागकण के कुछ स्थानों पर यानी जो स्पोरोपोलेनिन होता है उसका आवरण नहीं पाया जाता और वहां पर कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं।
इन सूक्ष्म छिद्रों को नाम दिया गया है जनन छिद्र। अब जनन छिद्र जो होते हैं वहीं से ही पराग जो परागकण है वो अंकुरित होते हैं, बात यह है। अब अपन बात करते हैं कि परागकण की आंतरिक भित्ति। देखिए स्टूडेंट्स मैं बताता हूं आपको वापस से कि परागकण की बाह्य भित्ति को तो बाह्य चोल नाम दिया गया जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है। परागकण की आंतरिक भित्ति जो है, परागकण की आंतरिक भित्ति है वो सेलुलो जो अंतः चोल कहलाता है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बातें थी, अब अपन आगे और बात करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फिर इसका डायग्राम की सहायता से। देखिए स्टूडेंट्स हमने बात की है कि परागकण एक कोशिक परागकण एक कोशिक एक केंद्र की अगुणित गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार संरचना अगुणित गोलाकार संरचना होती है। परागकण एक कोशिक एक केंद्र की अगुणित गोलाकार संरचना होती है। अब दूसरी बात क्या बताई है कि परागकण जो होता है उसके चारों ओर परागकण के चारों ओर दो भित्ति का आवरण पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स दो भित्ति का आवरण पाया जाता है, इसमें बाहरी भित्ति होती है उसे बाह्य चोल नाम दिया गया है। बाह्य चोल नाम दिया गया है और ये बाह्य चोल जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स परागकण जो है उसके चारों ओर दो भित्ति का आवरण पाया गया। अब दो भित्ति का आवरण पाया जाता है, बाहरी भित्ति जो है उसको क्या नाम दिया गया, बाह्य चोल। अब ये बाह्य चोल है वो एक प्रोटीन है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। दूसरी अपन बात करते हैं, इस पे डायग्राम में आपको बताते हैं कि समझो कि जैसे ये हमारे पास एक केंद्रक है और अन्य कोशिका द्रव्य वगैरह है, अन्य कोशिका अंग जो है, देखो एक कोशिकीय संरचना है तो सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। देखिए अपन बात करते हैं यहां पे वृत्तिका वगैरह भी पाई जाती है, बाहर की ओर जो आवरण है उसको नाम दिया गया है, बाहर की ओर जो आवरण पाया गया है वो है बाह्य चोल, अंदर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसे नाम दिया गया है अंतः चोल। देखिए स्टूडेंट्स अब आप बात करते हैं कि बाह्य चोल जो बाह्य चोल या स्पोरोपोलेनिन जो है, बाह्य चोल जो है वो कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाता, तो कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाने के कारण वहां पर क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इनको नाम दिया गया है जनन छिद्र नाम दिया जाता है। परागकण के अंकुरण के समय परागकण का जो अंकुरण होता है वो इन जनन छिद्रों से ही होता है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको क्या कहेंगे अपन, केंद्रक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केंद्रक। देखिए स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यहां पे परागकण की संरचना, ये मैंने आपको बात बताई है कि अब बात करते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो क्या काम कर रही है, यहां पर स्पोरोपोलेनिन जो है वो क्या काम करेगा। देखिए स्पोरोपोलेनिन एक तरीके से बाह्य
चोल जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अब स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकण को भौतिक और जैसे अपन बात करें जैविक अपघटन से बचाता है। इस प्रकार ये परागकण को एक तरीके से सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करेगा और लंबे समय तक क्या करता है उसको सुरक्षित प्रिजर्व संरक्षित करके रखता है। तो हम बात करते हैं यहां पे, देखिए स्पोरोपोलेनिन जो होता है, देखिए स्टूडेंट्स स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो परागकण को स्पोरोपोलेनिन परागकण को भौतिक व जैविक अपघटन से बचाता है, भौतिक व जैविक अपघटन से बचाता है। इस प्रकार स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखेगा। कुछ स्थानों पर देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन जनन चित्र के बारे में कि कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं पाया जाता, तो उन स्थानों को क्या नाम दिया गया है, जनन छिद्र। कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं पाया जाता, तो उन स्थानों को नाम दिया गया है नहीं पाया जाता जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। अब बात करते हैं हम यहां तक पहुंच रहे हैं बाह्य भित्ति के बारे में, बात कर रहे थे अंतः भित्ति के बारे में, मैंने बताया कि अंतः चोल जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अंतः चोल जो होता है, दूसरा है हमारे पास, पहली थी ये बाह्य चोल और दूसरा जो होता है वो होता है अंतः चोल। तो अंतः चोल जो होता है वो किसका बना होता है, दो पदार्थों का बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का, सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। अंतः भित्ति जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो ये एक तरीके से हमारे पास परागकण के बारे में हमने कुछ बातें सीखी हैं। इसके बारे में और आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। यस स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस स्टूडेंट्स, देखिए अब हम यहां तक पहुंच गए कि परागकण, देखिए ये पूरे परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में हमने सीखा है। परागकण एक एगोनिक संरचना है, ध्यान रखना परागकण एक एगोनिक संरचना है। क्यों है एगोनिक संरचना, क्योंकि इसका परिवर्तन किससे हुआ है, लघु बीजाणु से, और लघु बीजाणु किससे बना है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, और लघु बीजाणु कैसे बना है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो सीधी सी बात है कौन सा, वो जो कोशिका होगी वो क्या होगी, एगुणित। पहले द्विगुणित थी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कौन सी कोशिका बनी, एगुणित कोशिका। यहां तक आपने सीखा, अब हम बात करते हैं यहां पे, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे अपन बात करते हैं कुछ। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहां पे, देखिए कुछ एक विशेष परिस्थिति है यहां पे कि कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो इनके ऊपर, देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि जैसे परागकण, देखो एक प्रक्रिया है, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे कि परागण की प्रक्रिया। तो परागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, यानी वर्तिकाग्र जो है वो अंडक या स्त्री केसर का एक भाग है उसके ऊपर पहुंचते हैं,
और स्त्री केसर जो है उसके अंदर नरयुग्मक पाया जाएगा, तो जो नरयुग्मक है मादा युग्मक पाया जाएगा, सॉरी, तो जो नरयुग्मक है वो मादा युग्मक तक पहुंचेगा। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अब देखो कुछ बात है यहां पे इसलिए बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो परागकण जो है उसके बारे में बात करते हैं कि परागकण जो है उसके अंदर कुछ परिवर्तन है उसके बारे में बात करते हैं। मैं पहले बोल के बताता हूं आपको कि देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर एक पॉइंट है या एक टर्म है पोलोनियम या सॉरी स्टूडेंट्स पोलेन कीट क्या है, पोलेन कीट के बारे में। तो पोलेन कीट की डेफिनेशन है यहां पे, क्वेश्चन समझ सकते हैं हम कि पोलेन कीट क्या होता है। तो देखिए पोलेन कीट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे यहां पे एक टर्म आएगी कि कीट परागित पादप। देखिए स्टूडेंट्स कि जो परागकण है उनका स्थानांतरण दो माध्यम होते हैं, उनको लेकर जाएगा कौन, लेकर जाएगा तो एक तो देखो जैविक और एक अजैविक माध्यम होते हैं। तो जैविक माध्यम जो होते हैं उसमें तो कोई जीव काम आएगा, तो कीट वगैरह हो सकते हैं, पक्षी वगैरह हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। और अपन बात करते हैं अजैविक माध्यम में दो होता है, जल और वायु। देखिए स्टूडेंट मैं वापस बात करता हूं कि कीट परागित जो कीटों के द्वारा परागण की क्रिया करेंगे, ऐसे प्लांट जिनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, ये आपको आगे बताया जाएगा, केवल आप टर्म को समझने के लिए बात कीजिए। देखिए कीट परागित पादपों में परागकण के चारों ओर एक तेलीय चिपचिपे पदार्थ की लेयर पाई जाती है, इसी परत को या इसी लेयर को पोलोनियम या परागपिंड कहते हैं। मैं लिखूंगा अभी आपको बताएंगे, पहले एक्सप्लेन आपको समझ में आना चाहिए कि परागकण है वो भी कौन से, कीट परागित परागकण। जो कीट परागित परागकण होते हैं उनके चारों ओर तेलीय चिपचिपे पदार्थ की एक लेयर या एक परत पाई जाती है जिसे पोलेन कीट कहते हैं। अब ये पोलेन कीट क्या काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो पोलेन कीट होता है वो इन परागकणों को, जो परागकण होते हैं उनको एक तो गंधयुक्त बनाते हैं, क्योंकि जो कीट होते हैं वो क्या काम करेंगे, गंध के द्वारा वहां तक पहुंचेंगे पुष्प तक। दूसरा है कि ये चिपचिपे होते हैं तो परागण में क्या करते हैं सहायता, क्योंकि कीट या पक्षी वगैरह है उनके ये शरीर पर चिपक जाएंगे और परागण की क्रिया में सहायता करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पोलेन कीट होता है वो पराबैंगनी किरणों से परागकण की सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैंने तीन बातें बताई, एक तो डेफिनेशन और इसके तीन कार्य। देखिए स्टूडेंट्स तो हमारे पास पॉइंट यहां पर है पोलेन कीट परागकण में ही है, केवल डेफिनेशन है और कुछ टर्म है एक तरीके से। तो हम बात करते हैं यहां पे पोलेन कीट, पोलेन कीट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन में क्या आया है मैं बोल के बताता हूं आपस एक बार, कीट परागित पादपों में परागण के चारों ओर तेलीय चिपचिपे पदार्थ की लेयर या परत पाई जाती है जिसे पोलेन कीट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट कीट परागित, कीट परागित पादपों में, कीट परागित पादपों में, कीट परागित पादपों में परागकण के चारों ओर तेलीय चिपचिपे पदार्थ की परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, तेलीय चिपचिपे पदार्थ की परत पाई जाती है जिसे जिसे पोलेन कीट कहते हैं, जिसे पोलेन कीट कहते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि पोलेन कीट जो है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में। तो देखो मैंने अभी तीन कार्य बताए हैं इसके पोलेन कीट के। फर्स्ट कार्य है कि पोलेन कीट जो होगा वो क्या करता है, गंध युक्त होता है। पोलेन कीट कैसा होता है, गंध युक्त। तो ये क्या काम करेगा, कीटों को आकर्षित करने में सहायता करता है। यह गंध युक्त होता है, 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 अतः यह कीटों को आकर्षित करने में सहायक, कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है, कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स कि ये क्या है, चिपचिपा है। तो शरीर पर चिपक कर, यानी कीटों के शरीर पर चिपक कर परागण में करता है सहायता। देखिए कीटों के शरीर पर, कीटों के शरीर पर चिपक कर कीटों के शरीर पर चिपक कर परागण में सहायता करता है। देखो कीटों के शरीर पर चिपक कर परागण में सहायता करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कीटों के शरीर पर चिपक कर परागण में सहायता करता है। और तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि परागकण की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। तो ये थी बात हमारे पास पोलेन कीट की। थोड़ा सा पॉइंट और रह गया कि जो परागकण होते हैं उसकी टेपिटम के द्वारा कुछ प्रोटीन स्रावित की जाती हैं। तो ये जो प्रोटीन होती है वो पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया जो होती है उसको बढ़ाने में, या निषेचन से पहले या निषेचन की क्रिया जो होती है उसमें सहायक होती है एक तरीके से। तो पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया में क्या करती है, सहायता करती है परागकण के द्वारा। देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि परागकण के द्वारा, या परागकण के द्वारा नहीं, जैसे अपन बात करेंगी कि टेपिटम है तो टेपिटम के द्वारा कुछ प्रोटीन स्रावित की जाती है। जो एक तो परागकण है और एक टेपिटम है, उसके द्वारा एक पदार्थ या प्रोटीन स्रावित की जाती है जो पराग स्त्री केसर में क्या करती है, सहायता करती है। अब एक लाइन और याद रखना, कुछ पादपों के जो परागकण है वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो वो जो है पार्थेनियम या गाजर घास जो है वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करती है, इसका एक एग्जांपल है। तो एक क्वेश्चन और रह गया, एक तो जैसे अपन बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दो बातें बोल के बता देता हूं। देखिए मैं लिख भी दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स जब अपन बात करेंगे कि पोलेन कीट क्या है और पोलेन कीट के कार्य, ये तीन कार्य है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस स्टूडेंट्स देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, परागकण और उसकी संरचना में, फिर हम पढ़ेंगे यहां पे नर युग्मकोद्भिद और उसका परिवर्धन, नर युग्मकोद्भिद एवं उसका परिवर्धन। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहां पे कि देखिए एक तो है परागकण व
टेपिटम, पराकरण व टेपिटम इनके द्वारा एक प्रोटीन स्रावित की जाती है, एक प्रोटीन स्रावित की जाती है जो परार स्त्री केसर, परार स्त्री केसर, परार स्त्री केसर पारस्परिक, पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में सहायक होती है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में सहायक होती है। देखिए स्टूडेंट, एक और बात याद रखना कि कुछ पादपों के परागकण जो है वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, इसका एक एग्जांपल है पार्थेनियम या गाजर घास। कुछ पादपों के परागकण, कुछ पादपों के परागकण, कुछ पादपों के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, कुछ पादपों के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे पार्थेनियम या गाजर घास। पार्थेनियम या गाजर घास, पार्थेनियम या गाजर घास। तो स्टूडेंट्स, ये बात थी हमारे पास। एक तरीके से हमने परागकण के बारे में सीखा है कि परागकण क्या होते हैं, परागकण की संरचना और परागकोष का स्फुटन जो है वो हमने सीखा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे का जो पॉइंट्स है वो आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपको विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट्स हैं वो सर हमें समझ में नहीं आ रहा या फिर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उससे हम क्या करेंगे, हमारा वीडियो जो है वो उसमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।